हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। फाइन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एवरीबॉडी। तो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद कलेक्शन फ्रेमवर्क। अंडर कलेक्शन फ्रेमवर्क वी हैव जस्ट कवर अ बेसिक पार्ट लाइक व्हाट इज कलेक्शन। तो इन अ सिंपल वर्ड, कलेक्शन इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ऑल द डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, सम इंटरफेसेस, क्लासेस, सम एल्गोरिथम इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दिस कलेक्शन फ्रेमवर्क वी कैन फॉलो। सो वॉट एवर ऑपरेशन यू विल परफॉर्म ऑन डेटा, एवरीथिंग वी कैन परफॉर्म ऑन कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट? तो टेक्निकली वॉट इज कलेक्शन, इट इज एन इंटरफेस। ठीक है, इस फ्रेमवर्क में मल्टीपल इंटरफेसेस है, मल्टीपल क्लासेस है। तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आई विल बी कवरिंग दिस पार्ट, सेट इंटरफेस एंड द लिस्ट इंटरफेस। वी हैव स्टार्टेड विद लिस्ट, राइट? एंड वी हैव जस्ट ऑब्जर्व वन क्लास दैट इज कॉल्ड एरे लिस्ट। वॉट इज अ बेस डेटा स्ट्रक्चर फॉर एरे लिस्ट? एरे लिस्ट का बेस और अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ डायनामिक एरे। किसके बेस पे इस क्लास को डिजाइन किया है? तो डायनामिक एरे, रिमेंबर। Now, what is dynamic array? Array is a static structure. अगर आपको dynamic array को prepare करना है, तो we can follow array list. So now let me show you. So this part we have seen few methods, right? From the array list, how exactly we can use it. And let me continue today the same topic. So let me just apply some separator here. Now, if I execute the same script, see the result first. Columnic array list को design किया था, it's a generic array list, right? So array list and which will implement in this way, and you can just pass a type and you are able to add some element into the list. And these are some methods we have covered, right? If I execute, see the result. So we can create a list of any type. ठीक है, ये आपका integer list है. Suppose this time I just want to design array list. So I will be writing directly array list, again in a generic signature. Suppose I will be maintaining string, again suppose name, and it is equal to, one more time I'm writing new array list, generic signature and constructor. This is the way you can design, right? Ab karna kya hai? Suppose I want to store some information again. So which method? Name dot add method. एड में जो भी डेटा स्टोर करोगे दैट विल बी ऑब्जेक्ट, बट इट इज द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, राइट? तो एग्जाम्पल आई विल बी राइटिंग हियर सपोज सुजीत, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट डेटा, ओके, नेम डॉट एड, कैन आई एड हियर लेट्स से स्मिता, राइट? सपोज आई एम एडिंग अगेन नेम डॉट एड लेट्स से किरण, ओके, आई एम जस्ट एडिंग सम इंफॉर्मेशन नाउ, डन, नेम डॉट एड let's say I'm adding suppose Pooja, done. So I have added four elements in my list. Now all the methods are common, guys. Agar aapko test karna hai total elements in a list, which method? Yes, kitne elements hai aapke list mein, kaun sa method? Do you remember size method? Size. We have to use name dot size, correct? तो ये प्रिंट करेगा कि चलो टोटल एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एलिमेंट्स, वेरी गुड। नाउ सपोज आई वांट टू चेक दैट इज लिस्ट एम्प्टी, व्हाट इज द रिजल्ट? ऑब्वियसली लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, फॉल्स। हाँ, तो मेथड कौन सा यूज करोगे फॉर दिस? नेम डॉट इज एम्प्टी मेथड, इज एम्प्टी, सॉरी, इज एम्प्टी विल रिटर्न यू बूलियन रिजल्ट। एग्जाम्पल इफ आई एग्जीक्यूट I'm able to see the result that is the list is empty. No, it is false. And total elements are 4. Okay. Now, if I want to check whether Amit is available, okay, is Amit available in the list? False. कैसे check करोगे? Contents method. Very good. So I will be using here name dot contains method. Contains में लिखना होगा Amit, right? And ये भी आपको return करेगा boolean result. मतलब अगर अमित अवेलेबल है तो यू विल गेट अ ट्रू, अदरवाइज यू विल गेट अ फॉल्स अगेन। सी, नाउ आई एम गेटिंग फॉल्स, दैट मींस अमित इज नॉट अवेलेबल इन दिस लिस्ट। सो ऑल द मेथड व्हिच आर यू आर यूजिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एरे लिस्ट, सी दिस मेथड कमिंग फ्रॉम कलेक्शन इंटरफेस, सो दिस मेथड आर कॉमन।
You can apply for every class. Got it? So this is what? A list of name. Okay. Tomorrow, I want to declare one more list, suppose. Dekho. And yes, how you will print it? Toh abhi tak humne seekha hai only with a reference variable, right? If I just say name, so definitely, ye print karega complete list. See this. So now you are getting, this is a list, right? Okay. Suppose, I will be declaring array, one more time, array list. And here I will be writing, suppose, double. Theek hai, mujhe double type ka list define karna hai. Let's say marks. It is equal to new. Again, class name is array list, generic construct. Okay. And for this marks, let me add some marks. Marks.add. And suppose I'm adding here 56.77. Okay, it's a double value. Then marks.add. Again, I'm adding suppose 88.6, right? Okay. Marks.add. Let me add 33.67. I have added few marks. And then, see, now if you execute it, again you are able to see three elements are available in this array list. So basically guys, whatever you need to maintain, you can maintain in the form of array list. Is the point is clear? Either aap array list mein is way se maintain karo ke aapka list, that list can be anything na. But now my question to everybody, suppose I want to maintain a list of one employee. Dekho, first question, I want to maintain a data or list of one employee. Example, jisme employee ka ID hona chahiye. Suppose 100 is the ID. Okay. Employee ka kuch name hona chahiye. So example, I will be writing Uma is a name. And I'm taking some email ID of that employee. So I just want to define, suppose uma@gmail.com. How I will maintain such a list? Ab isme kya ek type ka list hai aapka? Now the generic says that only one type you can store. So how I can create an array list of this particular type? And what type I need to maintain? Main integer de do, ya string de do? Tell me. Student. What is my question? We can maintain string or integer? String. Kyo koi dusra type nahi hai jo hum follow kar sakte hai common for everything? Object. Humne array mein topic sikha tha na, so I just expect object. Quick answer. Object. It's very simple. Agar koi bhi type ka information store karna hai, so you can use it as an object type. So can I maintain this list? Yes, absolutely fine. Kaise maintain karoge dekho? See guys. Example, let me add a separator. And I'm adding some array list. Dekho, object pass karne ke multiple techniques hai. First technique, let me cover. I can write in this way. Array list. It is of object type. Yes. And let me give a name. Let's say obj. It is equal to new. Again, our class name, array list, generic and constructor. Okay? Now, I can just write object.add. Here, whatever information you will add, that will be object. Okay? Ye maine pehla data add kiya. Now, let's see. Object.add, I'm adding here, suppose, name, let's say Uma, right? Then, obj, one more time, obj.add, and I'm adding here email ID, let's say, uma@gmail.com. That's it. Okay. And guys, now you can print your list. Now, just print here obj. Name of list is obj. Can you see? You guys are able to print this kind of data also. Correct, na? So array list mein aap homogeneous plus heterogeneous information you are able to store. But jab aap generic pattern follow karte ho, it will restrict that array list to store only same type of data. So agar is type mein data maintain karna hai, aap log maintain kar sakte ho as a object type. Is the point is clear to all? Yes? Yes, ma'am.
Now, yes, ma'am. If I do in this way, देखो array list कितने ways में आप use कर सकते हो, declare भी कर सकते हो, just observe, okay? Suppose I will go to the package. Now everybody listen and observe carefully. I will go to the collection demo package and I will create here one class, separate class. Suppose मैंने design किया employee नाम का class. Let me write properly employee. ठीक है? And I will not take main method. I will just declare a class, employee class. And इस class में ना तीन instance variable को declare करते हैं. अभी के same variable. Suppose integer EID, that is employee ID. Or let me take EMP ID. ठीक है? Okay, let me just declare it. Second में लेती हूँ string name, yeah. Then मुझे लेना है third variable, that is string email. ठीक है? Email. Done. And what I'm going to do is I will create a constructor of this class. Okay, not method. I'm designing constructor. Everybody observe. So constructor name and the access modifier is enough. And here, what I'll do, I'll just accept the data from the user. I mean, जहाँ पे इस constructor call करोगे, वहीं पे आप data pass कर सकते हो ना? So can I declare here integer EID short name? Then I will take second name, that is name, right? Or I will just write N, that is for name. And third I am taking for email, that is E. What I need to do, ये जो data है, कहाँ पे pass करोगे? Current class के object में, मतलब current class के variables में. Either you can write this dot empid and then you can set that data, absolutely fine. Or you can directly write empid, it is equal to EID. Done? तो ये जो भी data आप read करोगे, you are able to pass it here. See, EMPID, not EMPID, this time name. Name is equal to N plus email. Email is equal to E, correct? मतलब जो भी data हम constructor में pass करेंगे, this should assign to your object. Now guys, what exactly I will be doing, just observe. I will come to ArrayList. Now let me take separate ArrayList class. And here I will be maintaining some name also. So this is ArrayList. ArrayList for employee. देखो, ये separate example है because and I will be taking main function. Okay. Now, how you can initialize that object? आप वो employee class में employees को add कैसे करोगे? See, we have to create an object ना. Can I declare here? Can I call here that class? What is the class name? Employee is a class. Employee and if I am writing even, मतलब first employee. And if I just create a object for the same class employee and can I pass here that data hai na pass kar sakte hain 100 suppose I want to pass here let's say what we can write okay fine Kiran right and I will pass here again Kiran at the rate teen information pass karna hai na mujhe gmail.com done and similarly can I create multiple object absolutely fine humne ye sikha hai na second object third object right and suppose I will be updating a data this is first and let me change object number also employee 2 employee 3 this is what let's say let me write Smita done and I will be just changing the address Smita done here I'll be taking Amit okay and Amit theek hai jo bhi hai to maine data maintain kiya hai yahan pe now I'm having three object My question is, now this is a class, okay, main class is employee class, where I have just, added a data. If you write here system.println statement, you guys are able to print also, correct na? And same class ke liye maine itna data print kiya hai, but I want to pass this every employee information to my array list. Is it possible? Can I pass this entire information to my array list? कर सकते हैं क्या देखो हाउ टू डिक्लेयर एरे लिस्ट इन दिस वे नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट 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 बट इफ यू नोटिस हियर अब मुझे बताओ सही है आपका आंसर ये ऑब्जेक्ट टाइप है बट अब कौन सा ऑब्जेक्ट पास करना है कैन यू हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हियर सी आई वांट टू पास ईवन ऑब्जेक्ट राइट आई वांट टू पास ई2 ऑब्जेक्ट बिकॉज इसके पास ये डेटा है E3 के पास तीसरा डेटा है जिसमें तीन इंफॉर्मेशन है अच्छा लेट मी अपडेट दिस वन आल्सो ठीक है
तो ये ऑब्जेक्ट ये जो इंफॉर्मेशन है इट इज अवेलेबल फॉर विच क्लास एम्प्लॉय क्लास तो कैन आई डायरेक्टली पास एम्प्लॉय हियर यस यस एब्सोल्युटली एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सी आई विल बी राइटिंग emp इट इज इक्वल टू न्यू अगेन आई विल बी राइटिंग एरे लिस्ट अगेन जेनेरिक एंड कंस्ट्रक्टर लेट्स इम्पोर्ट इट बिकॉज इस क्लास में हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं राइट तो इसको इम्पोर्ट करो फ्रॉम जावा डॉट यूटिल पैकेज नाउ यूजिंग emp डॉट एड वॉट यू कैन पास कैन यू सी डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है ना इफ आई यूज e1 ओके emp डॉट एड इफ आई यूज e2 लेट्स सी वन मोर टाइम e2 आई कैन एड e2 एंड emp डॉट एड आई कैन एड e3 ऑल्सो डन मैंने तीन एम्प्लॉइज के इंफॉर्मेशन को ऐड किया लिस्ट में नाउ हाउ यू विल प्रिंट इट कैन आई फॉलो हियर ईएमपी लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट आई एम एबल टू ऑब्जर्व नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग वी आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट राइट अब ये लिस्ट ऑफ डिटेल को आप प्रिंट कैसे करोगे सी बेसिकली यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है नाउ दिस एम्प्लॉय कंटेन ऑल थ्री रिकॉर्ड्स तो देर इज वन मोर टेक्निक दैट यू कैन फॉलो सी आइदर यू कैन प्रिंट इन दिस वे ईएमपी डॉट देर इज अ गेट मेथड इफ यू पास गेट इंडेक्सिंग यू गाइज आर एबल टू फेच दैट रिकॉर्ड सी इफ आई जस्ट राइट ओके गेट जीरो इंडेक्सिंग तो जीरो इंडेक्सिंग पे कौन सा डेटा है ऑब्जेक्ट वन e1 लेट्स सी What is happening now? What the data it is passing? Again, I'm getting some garbage value. I'm not getting exact value now. What I can do? I can add or I can call that variable. Suppose मैंने call किया कि मुझे employee ID को print करना है. So yes, what is happening? Here it will print that only employee ID. ये point समझ में आ रहा है कि first employee का ID क्या है? E1 का और zeroth index का. This is the first data. तो बेसिकली एवरी टाइम यू आर गोइंग टू फेच द डेटा बिकॉज सी हमने बेसिकली प्रिंट मेथड को अप्लाई नहीं किया है एंड नाउ दिस इज द गेट मेथड वेर यू कैन पास दैट एलिमेंट एंड यू गाइस आर एबल टू प्रिंट एवरी सेपरेट डेटा इफ आई कॉल वन मोर टाइम इफ आई कॉल वन मोर टाइम हियर आई विल बी कॉलिंग सेपरेट ईमेल आई डी लेट्स से ईमेल आई डी एंड थर्ड आई वॉन्ट टू जस्ट कॉल सपोज नेम ठीक है लेट मी कॉल नेम एंड आई डू वन थिंग थोड़ा सा नेम यहाँ पे कॉल करते हैं ईमेल यहाँ पे कॉल करते हैं राइट एंड नाउ यू गाइस आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट डिटेल पॉइंट क्लियर है आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड तो एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है कि बस आप एक सिंपल टाइप का ऑब्जेक्ट ही मेंटेन करोगे या कोई भी इस टाइप का बस इंफॉर्मेशन मेंटेन करोगे नो यू कैन पास डायरेक्ट क्लास इंफॉर्मेशन क्लास ऑब्जेक्ट इन टू लिस्ट And you guys are able to fetch the record. Are you getting this point? Everybody. कैसे print करोगे data? अब अगर e1 का print करना है same thing. You guys are able to do the same repetition because direct print करोगे you will able to see the garbage value. So fetch it as per the index. This is the first record. One more time. I will be printing third record. Is the point is clear? Oh, third मतलब second index हाँ? Yes or no? 0, 1, 2. Correct? So we have to pass here second index. And see. If I execute, again I am able to see the result. Can you see this first result, second result and third result? Right? So this is array list. Now this is one more concept. Okay? So this was that you can pass object to any object. In fact, class information also you are able to pass into array list. But people will ask you one more interview question. Okay, fine. If you notice array list, so we are able to pass this data. But as I told you, array list is dynamic in nature. So we have written here one statement. Internally, how much memory array list will occupy? So array list will occupy 10 virtual segments. Matlab kya? Ab dekho iska explanation. So I will be covering internal mechanism of the array list. People will ask you. So please focus properly. तो गाइस जब आप एरे लिस्ट को डिजाइन करते हो लेट्स से मैंने लिखा एरे लिस्ट सपोज इट इज ऑफ इंटीजर टाइप एल इट इज इक्वल टू न्यू एंड आई हैव रिटन एरे लिस्ट अगेन वंस यू राइट दिस स्टेटमेंट इमीडिएटली इन द मेमोरी हाउ मच वर्चुअल सेगमेंट इट विल जनरेट टोटल
10 virtual segments you will get. Now consider 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Done. If you start with, obviously, array list hai. List matlab, it will follow indexing. Correct na? It will follow indexing. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 0 to 9 matlab, total 10. Ab yaha pe, jaise hum statement, matlab, by default for this statement, you will get this memory structure. In this memory structure, two points are important. What is virtual capacity? VC stand for, let me write here, VC stand for virtual capacity. So total virtual capacity hota hai 10. For a first position, what is PC stand for? It is physical capacity. Abhi ka physical capacity kitna hai? It is 0. Because no data na. So current physical capacity is 0. Jaise hum add karenge, able dot add. Suppose I'm adding first data, that is 10. Obviously, what will happen whenever this statement will run? 10 will pass here. At this moment, what is virtual capacity? Kitne virtual empty locations hai? 9. What is physical capacity? 1. Very good. A1.add, suppose I have added 20. 20 got added. What is the virtual capacity? 8. What is physical capacity? 2. Okay. And if I just write system on println al.size, what will happen? Size will return you what answer? Kitne element hai aapke list mein? 2. So can I say that size method will calculate physical capacity and answer? Yes? Yes. Physical capacity of my list is 2, so I'm getting size is equal to 2. So by default, Java will provide you 10 segments. So agar aapne complete 10th agar data pass kiya, to kya hoga? Suppose every element I have added. Okay, I have written 60, 70, 80, 90, 10. My list is full now. After this, I want to add 11th number record. Kaise karoge? Agar kuch extra data add karna hai, to let me tell you, at this moment, virtual capacity hoga 0, physical capacity hoga 10. Correct na? At this moment. Correct? But, agar aapko aur ek record, aur ek entries mein add karna, so guys, let me tell you, Java people are very smart. Unhone kya kiya hai pata hai? Agar aapko ek aur element add karna hai, so they, like, suppose example, they will just calculate the total physical capacity divided by 2. What is the physical capacity divided by 2? 10 divided by 2. What is the answer? 5. That means how many extra virtual segments you will get? 5. Understand this part. Ab example 5 matlab ye 10 hoga, 11, 12, 13 and 14. 0 to 14 hoga. Tomorrow agar ye bhi full hua to mujhe aur kuch add karna hai to kya hoga? What is the current physical capacity? 14. 14 divided by 2 kitna milega? 7. 7. So extra 7 automatic memory you will able to see. So it is called dynamic in nature. Are you clear the concept of array list? Why it is dynamic in nature? Yes. Array mein aisa hota hai kya? Array mein size grow hoga? Nahi hoga. Array size is always big. But array list is dynamic. Size is growable. So kaise grow hoga size? In this way. So people will ask you this question. What is a by default memory structure for array list? So array list mein virtual segments hote hai. 10 segment by default you will get. But jaise koi extra element aap add karte jaoge, automatic you will get this kind of, you know, memory. And you are able to store data. So it is dynamic in nature. Point is clear. What is array list? Yes. Right? So ye hai internal structure for array list. Now guys, one more important part. So, okay, ab tak apne method cover kiye. Aapne ye understand kiya ki what is this class? What is the internal mechanism of this array list? But now let me cover one more point. How exactly you will iterate array list?
देखो अब तक हमने कैसे किया है, डायरेक्ट शॉर्टकट हमने डायरेक्टली लिखा सिस्टम ऑफ प्रिंट टैलेंट दैट ऑब्जेक्ट एंड इट इज एबल टू प्रिंट दैट एलिमेंट राइट. बट इज दिस ओनली वन वे? नो गाइस, वी गाइस आर एबल टू इटरेट अरे लिस्ट. आप लोग इटरेशन कर सकते हो थ्री डिफरेंट टेक्निक से. फर्स्ट टेक्निक इट्स अ नॉर्मल फॉर लूप, ओके. सेकेंड टेक्निक दैट वी कैन फॉलो फॉर ईच लूप, इफ यू रिमेम्बर फॉर ईच मैंने कवर किया था अरे में, यस. फॉर ईच इज ओनली एप्लीकेबल इन कलेक्शन. हाँ बस दो ही चीजों में आप एप्लीकेबल कर सकते हो, कलेक्शन में एंड अरे में. तो फॉर ईच आई विल बी कवरिंग. एंड इफ यू रिमेम्बर कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास मेन इंटरफेस है कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन का भी एक पैरेंट इंटरफेस है ना, द नेम इज इटरेबल. इस इटरेबल इंटरफेस में एक मेथड है, एक ही मेथड, दैट इज कॉल्ड इटरेटर. ठीक है, इटरेटर इट इज अ मेथड. तो ये जो इटरेटर है ना, ये आपको रिटर्न करता है इटरेटर इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट. So iterator, it is an interface and for this interface you are getting this method. So iterator ye interface hai and is interface ka agar ye method follow karna hai which is coming from this interface, iterable interface. So how to use iterator method, that part also I will be covering. Matlab teen technique hai iteration karne ke liye. Theek hai? So now let me show you this part. I will be covering one more, I will be taking one more class. Theek hai? Array list iteration done. Let me take main function. Now let's quickly create array list for iterate. Suppose I will be designing array list. Let's say it is of integer type. Then AL it is equal to new. Again I am writing array list. ठीक है, जेनेरिक सिग्नेचर एंड कंस्ट्रक्टर. लेट्स इंपोर्ट अरे लिस्ट फ्रॉम java.util पैकेज. ओके, लेट मी ऐड फ्यू एलिमेंट्स. लेट्स से आई एम जस्ट एडिंग अ सिंपल डेटा एल डॉट ऐड लेट्स से 20. नाउ एल डॉट ऐड लेट्स से 30. ओके, लेट मी ऐड प्रॉपरली एल डॉट ऐड 40. ठीक है, तो मैंने ऐड किए हैं 4 एलिमेंट एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू इटरेट. तो फर्स्ट इटरेशन आई विल बी शोइंग यू using for loop. So this is using for loop. Simple for loop. कैसे iteration करोगे देखो. So first point we have to write a for. For में obviously initialization पहले करोगे. Integer I should start with what? Can I say zero? Yes, because array list ये list interface का part है. So it always work on indexing. तो हम लोग index value यहाँ पे use कर सकते हैं. It is zero. Okay. Then what I need to do? हमें आई को कंपेयर करना है दैट आई शुड बी लेस दैन. कैन आई यूज हियर एल डॉट व्हिच मेथड? लेंथ. लेंथ ओके, बट एरे में लेंथ है, यहाँ पे कौन सा मेथड है? साइज. देयर इज अ साइज मेथड. वेरी गुड. सो आई कैन कंपेयर माय लिस्ट टिल द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड देन आई विल से प्लस प्लस डन. बट हाउ यू विल प्रिंट? जस्ट नाउ वी हैव ऑब्जर्व, अगर इंडेक्स से डेटा को फेच करना है तो गेट इज अ मेथड ना. तो कैन यू जस्ट राइट एल डॉट गेट? यस. एंड वो आई को पास करो तो जो भी डेटा आई का होगा, मतलब जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, इट विल पास टू द गेट एंड यू आर एबल टू इटरेट नाउ. सी द रिजल्ट. तो दिस टाइम दिस इज अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप. इज अ पॉइंट क्लियर? 10, 20, 30, 40. नाउ हाउ वी कैन अप्लाई फॉर ईच लूप? हु विल टेल यू कैसे अप्लाई करोगे फॉर ईच लूप? व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर ईच लूप? रिमेम्बर? यस. हमें बस क्या करना है फॉर इंट. अब कौन से टाइप का लिस्ट है? माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट इट इज? इंटीजर. इंटीजर. तो व्हाट आई शुड राइट हियर? मैं क्या लिखूं? आईएनटी इंट लिखना है या इंटीजर लिखना है? Guys, list का टाइप है इंटीजर. इट इज अ रैपर क्लास. टू राइट सेम इंटीजर आई वेरिएबल कोलन एंड देन यू कैन पास नेम ऑफ योर लिस्ट. व्हाट इज द नेम? एल. करेक्ट. ओके डन. एंड व्हाट वी नीड टू डू? डोंट फॉलो एनी मेथड, जस्ट प्रिंट आई. दैट्स इट.
हो जाएगा आपका इटरेशन. सी द पॉइंट. कैन यू सी यूजिंग फॉर ईच लूप आल्सो आई एम एबल टू सी द रिजल्ट. नाउ वन मोर टेक्निक दैट इज यूजिंग इटरेटर. Using iterator. So just observe. How exactly you can follow iterator? So guys, iterator available from the collection interface itself. So you have to just write object of that list, that is AL. And here you can see that method, iterator. If you notice, iterator will return iterator type of same integer. Ab yaha pe ye jo iterator hai, what is this? Iterator is nothing but interface. See, if I follow iterator and if I declare here iterator as an interface which is of type integer, let me write same type of list you have to maintain and may deti koi reference variable. This is the way you have to declare. Now what is iterator? See, import it from java.util and let me tell you it is a interface. Okay, so iterator, it is a interface. ठीक है. एंड इस इंटरफेस का एक मेथड है इटरेटर नाम का, सेम नाम है गाइस, सो डू नॉट कंफ्यूज. एंड अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको इटरेट करेंगे? सो लेट मी टेल यू, इन इटरेटर यू हैव टू रिमेम्बर ओनली टू मेथड. देखो, नाउ आई एम हैविंग दिस लिस्ट. लिस्ट में ये है जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड. ओके, 10, 20, 30 एंड 40. लिस्ट का नाम है AL. ठीक है, जैसे मैं यूज करूंगी AL डॉट इटरेटर मेथड, ये मेथड मुझे रिटर्न करेगा सेम इंटरफेस. तो जो मैंने डिक्लेयर किया है इटरेटर एंड आईआर करके मैंने डिक्लेयर किया विद जेनेरिक सिग्नेचर, राइट. अब इस इटरेटर इंटरफेस में दो मेथड है, एक मेथड है आईआर डॉट हैज नेक्स्ट मेथड. व्हाट दिस हैज नेक्स्ट मेथड विल डू, यू नो, फर्स्ट इट विल चेक वेदर दिस लिस्ट कंटेन एनी एलिमेंट. मतलब हैज नेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स. सपोज इट विल चेक दैट ओके वेदर एनी लिस्ट containing list is having any element. Agar ye true hai, if it is true, list is having any element, how you will fetch it? So fetch karne ke liye hum use karte hain next method. So IR dot next method you have to use. But guys, it will not look for every index. I mean, index wise aap yahan pe search nahi kar sakte, right? So guys, example, I just need to check that whether list contain any element. तो उसको फेच करो. तो विच लुक आई कैन फॉलो यू, इफ यू आर नॉट श्योर कि इज योर लिस्ट इज एम्प्टी और लिस्ट इज हैविंग सम एलिमेंट. अगर होंगे तो इटरेट करेंगे. इसका मतलब वी कैन फॉलो व्हाइल लुक हियर. सो हाउ वी कैन राइट अ कोड, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट राइट व्हाइल. व्हाइल व्हाट? आईआर डॉट हैज नेक्स्ट, दिस इज अ मेथड. रीड अ डॉक्यूमेंटेशन, इट रिटर्न ट्रू If the iteration has more element, अगर iteration में आपके list में element है तो ये return करेगा true. अब देखो, while loop में अगर ये true है तो मुझे क्या करना है, मुझे बस print करना है वो data. So I will be calling ir.next method. What this next method will do? It return next element of the iteration. That's it. So let me take next method. Now see what will happen. Only two statements, two methods, that's it, and you are able to print the same list again. Got the concept, everybody? So what the hasNext will do? hasNext will check whether list contain any element. Agar hai, ye condition true hoga, it will directly go to next. That means fetch that element and it will control will go to next. Matlab, next internally do kaam karega. Next kya karega? Okay, fine. Agar hasNext ne confirm kiya ki yes, list is having something. Okay. ये हैजनेक्स ने कंप्लीट किया, फाइन, द लिस्ट इज हैविंग समथिंग. तो नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट विल फेच दैट डेटा 10 एंड नेक्स्ट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डेटा को भी फेच कर रहा है एंड एट अ टाइम इट इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट एलिमेंट आल्सो. क्लियर? फिर से हैजनेक्स कंडीशन फिर से चेक होगा, हैजनेक्स हैविंग एनी एलिमेंट, यस, अगेन फेच इट एंड कंट्रोल कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ नेक्स्ट मेथड. Point is clear, everybody. Yes, tell me.
What is iterator method in collection? Is the point is clear? Yes, ma'am. So now it's up to you which iterator you want to follow. आप either iterator method से करो iteration, for each loop से करो या for loop से करो. It's a completely up to you. Whenever you are writing automation script also, this is depends on you. For example, if I go to any class like say employee 2, right? So many array list we have implemented here. And if you want to iterate now every data, what you can do instead of this statement, we can write na. Suppose example, मैंने for each loop follow किया, which is a very simple technique. So tell me what type of list it is. कौन सा type का list है? Object. This time object I colon and then I will be passing a name obj and then we are able to print that ith value. ठीक है? Let me convert this marks also. तो marks कौन से type का है? It's a double type, right? So we have to write for. Can I write directly? Yes. Double. Oh, just a minute. Double, let's say I colon and then you can pass your marks. ठीक है? And then you can print directly I. Let me convert every array list and then I can show you result. So I'm commenting the previous result. And now I'm directly using for each loop. अब ये list है string type का. String I colon name is name. And then I will be printing that ith value. That's it. And we are having one more, which is our this list. Okay, let's keep the same and let's run it. So, three list ko maine direct convert kiya hai. See the result. Can you see? Again, you are able to see the same result, right? Iteration. So, what the topic we have covered only from one class? We have covered what is array list, first of all, what is generic, then what is array list. So guys, people, there is a definite interview question on list and array list. Can you guys tell me the difference now? I mean, what is the difference between array and array list? This is most important interview question. Array and array list mein kya difference hai? Kya answer doge? First array list is static and fixed. Yes, static data structure and its size is fixed. And duplication is allowed. This is dynamic data structure. Yes, ma'am. And it's growable. ठीक है, size fixed नहीं है. Okay. We can second. Only in array list we can only maintain object. Can I say that only same type of data, homogeneous yes. data, an object we can store. So I will say same type data and object we can store. But array list में क्या store होता है? Only object. Only object. Very good. Anything else? Okay. Array is based on certain or some data structure. किसी और data structure के ऊपर base है क्या array? No. Can I say no underlying data structure? है ना? But array list. Can I say underlying data structure is what? Dynamic array. Remember. What else? To capture length. To capture length, we can use length variable now. Yes. To capture length, use length, but you have to write a variable. वैसे यहाँ पे क्या use होता है? Size method. Array is not based or not support any method. Remember, array doesn't support any method. Simple difference. But array list support method na? Yes. Okay. Anything else you want to add? Yeah, it's a growable in nature. It is a fixed in nature. Correct. Anything else? Array follow sequence. No, array and array list में sequence maintain होता है ना? Array and array list में indexing ही follow होता है. That is similarity. Array objective और array list collection मतलब interface. Very good. Array list एक class है. Collection interface का class है and array एक object करके implement हुआ है. Okay, अगर ये answer दोगे ना, तो यहाँ पे एक और question है. People will ask you what is arrays. People will ask you what is the arrays.
तो गाइस लेट मी टेल यू, एरे एंड एरेज दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, पहला पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट. यस एवरीवन, यहां तक क्लियर है व्हाट इज एरे एंड एरे लिस्ट? मैम, अब पॉइंट आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली एरेज. तो जनरली क्या है, देखो array is implemented, array is a static data structure and it is implemented as a object, implemented as object. ठीक है, what is arrays? Arrays is class in Java, remember एक separate class उन्होंने दिया है arrays class, and this will help you to perform, again it has a method, it has a method support. एंड आप इसमें भी यू नो सम लिस्ट और ऐसे एलिमेंट्स को आप क्रिएट कर सकते हो. एरेज को आप एरेज क्लास के थ्रू, मेथड के थ्रू यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट अ लिस्ट ऑल्सो. तो दोनों में एक ही डिफरेंस है कि एरे इम्प्लीमेंट हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट, बट एरेज इज अ डायरेक्ट क्लास, इट हैज अ रेडीमेड मेथड, सिंपल. तो एक और कंसेप्ट देखो, अब एग्जाम्पल आई गो टू इटरेशन एंड हियर अगर मुझे एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, लेट्स से अ क्विक लिस्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है, दिस इज अ डेमो ऑन एरेज. ओके, सी व्हाट इज एरेज इन जावा. तो आप लोग डायरेक्ट लिस्ट क्लास को यूज कर सकते हो, एरेज ये लिखना है, एरेज डॉट, एंड सी देर आर वैरायटी ऑफ मेथड्स अवेलेबल. बट अगर आपको कोई लिस्ट डायरेक्ट प्रिपेयर करना है गाइस, तो देर इज अ एज लिस्ट मेथड इज अवेलेबल. ठीक है, एंड इन एज लिस्ट व्हाट यू कैन डू, अब जो भी लिस्ट आपको मेंटेन करना है, दैट लिस्ट यू कैन मेंटेन हियर. एग्जांपल, सपोज आई विल बी राइटिंग, लेट्स से प्रियंका, ओके, लेट्स से प्रियंका, देन आई विल बी राइटिंग हियर, लेट्स से सपोज पल्लवी, ओके, एंड दिस इज अ लिस्ट आई विल बी मेंटेनिंग अगेन, सपोज व्हाट आई कैन राइट, ओके, लेट्स से नीता, राइट, and all these are what, this is a list, list of particular trainer, and now see as list I will be declaring as a string. What it will return, you know, it will return you list of string. So can I implement this? See, ye mujhe return karega list of string, generic, right? Let me declare, just a minute, let me declare here string as capital. List ko pehle import karo from java.util package, and see I will say this is a trainer list. ठीक है, डन. तो मैंने क्या मेंटेन किया है, एक लिस्ट मेंटेन किया विच इज माय ट्रेनर लिस्ट, एंड इफ यू जस्ट प्रिंट इट, ऑब्वियसली अब इसको भी आप इटरेट करो या डायरेक्ट प्रिंट करो, तो सी इफ आई जस्ट प्रिंट इट, दिस विल आल्सो रिटर्न यू द सेम लिस्ट. तो कंसेप्ट क्या है एवरीबॉडी, कि अरेज ये जावा में सेपरेट क्लास भी है, तो ये इतना याद रखो कि इसमें बहुत सारे मेथड है, बट जनरली हम इसको फॉलो नहीं करते. हाँ, बट अगर क्विक लिस्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है इंस्टेड ऑफ एरे लिस्ट, तो आप डायरेक्टली एरेज के थ्रू भी लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो. इज द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? तो आइदर आप लिस्ट करके, एरे लिस्ट करके पूरा सिंटैक्स फॉलो करके डिक्लेयर करो, और आप ऐसे डिक्लेयर करो, इट्स अप टू यू कैसे डिक्लेयर करना है, राइट? बट एरेज इज क्लास इन जावा. ठीक है, ये याद रखना. एरे टॉपिक इज डिफरेंट, arrays class is different, and collection interface ka array list class is different. Theek hai? So what the topic we have seen, what is array list, we have covered. So Java array list is completely dynamic array for storing the same values. Yes, all the rule are same, it can have duplicate element, it can maintain always insertion order, right? Array list also work on particular indexing guys. तो जब इसको आप इंप्लीमेंट करते हो, इसका मैनिपुलेशन स्लो होता है, बिकॉज जब आप कोई एलिमेंट को रिमूव करोगे, इट रिक्वायर लॉट ऑफ शिफ्टिंग इंटरनली, इंडेक्स वाइज शिफ्टिंग होता है, राइट? सो दिस इज अ क्लास. सिंपल आंसर इज व्हाट, इट इज अ ऑर्डर बाय इंडेक्स एंड डुप्लीकेशन इज अलाउड इन द एरे लिस्ट, राइट? बट देर इज अ वन मोर क्लास अवेलेबल इन जावा, दैट इज कॉल्ड अगेन, दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेंटेनिंग व्हाट आई कैन से डायनामिक एरे गाइस. मतलब डायनामिक एरे इस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए देर इज अ वन मोर क्लास अवेलेबल इन जावा,
I mean, in this collection framework, and that is called vector. Okay? But people will ask you, what is vector? And general difference kya hai vector mein? Dekho, vector mein bhi kya hota hai? Dynamic array hum follow kar sakte hai. But why generally we don't follow vector? To pehla point, array list ye synchronized nahi hai. Vector synchronized hai. But vector ka implementation, it is little bit slow. Ye synchronized hai, matlab multiple thread. Okay, at a time agar koi process ko ye follow karenge, to synchronized matlab thread safety. Generally, यहाँ पे at a time बस एक ही thread work होगा. At a time multiple thread they cannot access one process. इसलिए vector थोड़ा सा slow होता है. इसलिए हम vector को follow नहीं करते. ArrayList is a popular. It is faster than vector. Are you getting my point? तो vector भी एक class है जिसमें same rule. Everything is same. तो one more point I will add in a array list. Yeah, here. Or I will go to this notes. Let me add. Here, array list is non-synchronized. Synchronized का मतलब होता है कि at a time multiple process के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो? Generally access कर सकते हो. But vector is not. Vector is a synchronized one. At a time only one process. So example, if I design a separate class that is a vector. ठीक है, vector ये ready-made class है. तो write something vector demo. Vector example like this. So what is a vector? If anybody asks you, what is a vector? So let me tell you, vector is class implement which interface? Implement list interface. Ye list interface ka hi part hai, remember. So let me write implement list interface. Dynamic, or I will say underline data structure. Underline data structure is dynamic array. Remember, okay? Dynamic array. Third point to be remember, vector is synchronized. Okay? Matlab, at a time, one process. So, performance is slow. ठीक है, डन. अब वेक्टर को इंप्लीमेंट करना है, कैसे करोगे? सेम रूल गाइस, यू कैन जस्ट राइट वेक्टर. देखो, वेक्टर सपोज v1 न्यू, एंड यस वी हैव टू राइट अ जेनेरिक. रिमेंबर, सपोज आई विल बी टेकिंग इंटीजर अगेन, v1 न्यू, अगेन आई विल बी राइटिंग वेक्टर, जेनेरिक एंड कंस्ट्रक्टर पार्ट. ठीक है, वेक्टर को इंपोर्ट करो फ्रॉम जावा डॉट सेम पैकेज यूटिल. And then you can add a same. See, I can add integer data. Suppose one more time, v1.add, v1.add, let's say 20. Okay, is duplicate allowed? Obviously, list ke sare classes mein duplication allowed hai. Indexing maintain hai. Theek hai? Toh agar main try karti hu one more time adding 20, yes, you can add. All method support is common. v1, if I just write v1.size, ye mujhe batayega total element. Correct? Agar maine use kiya v1.empty is empty, तो ये मुझे बताएगा कि yes, is the list is empty. See, all method support are common. If I just follow v1.contains, yeah, suppose I'm looking for 30, what the answer will be? True, right? Okay, let's see. I should get the answer 4 and false, and yes, it is true. Let's see. Can you see 4 false true? And if you want to print, yes, direct without iteration भी आप print कर सकते हो with using that object reference. If I say v1, so I will be able to see that list. 10, 20, 30, 20. तो ये भी list interface का ही class है. But इस class में भी आप same dynamic array को ही implement करते हो, but ये synchronize होने के वजह से इसका थोड़ा सा performance slow है. तो हम इसको follow नहीं करते. But at least for interview perspective, you should know this. Point is clear, what is a vector class? That part I haven't added here because यहाँ पे जो main classes है बस मैंने वही add किया है. तो third, the next class which we are going to cover, that is the linked list. And linked list is one of the famous data structure available, guys. Now we need to understand how we can implement linked list in Java. Yes, यहाँ तक सारे topic point clear है.
student, reply. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. So in the next class, I will be covering what is linked list and how you can implement a linked list. Right. Okay. Next class, I will be taking directly on Monday at the same timing. Right. If anything change, you will get an update for the same. Okay. Any question, any query related to all the topics, whatever we have covered so far? No question? Fine. Let's continue remaining topic then from Monday. Bye everyone. Take care. Thank you. Good night. Have a nice weekend. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.